લોકડાઉનની સ્થિતિમાં રાજસ્થાનના કોટા ખાતે અભ્યાસ કરવા ગયેલા કેન્દ્ર શાસિત દમણ દીવ અને દાદરાનગર હવેલીના 44 વિદ્યાર્થીઓ ફસાઈ જતા તેઓને પ્રશાસન દ્વારા લક્ઝરી બસ મોકલીને પરત લાવવાની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. કોટામાં અભ્યાસ કરવા માટે ગયેલા દાદરાનગર હવેલીના 32 દમણના 6 અને દીવના 6 મળી 44 જેટલા વિદ્યાર્થીઓ લોકડાઉનના કારણે ફસાઈ ગયા હતા, જેઓને પ્રશાસન દ્વારા લાવવા માટે લક્ઝરી બસ મોકલવામાં આવી છે. બસમાં સોશિયલ ડિસ્ટન્સની સાથે સાથે ખાવા પીવાની વ્યવસ્થા અને સેનિટાઈઝર અને માસ્ક પણ મૂકવામાં આવ્યા છે. दादरा नगर हवेली दमन दीव प्रशासन ने ये मुहिम चलाई थी कि जो भी यहाँ पे इस क्षेत्र के इस यूटी के बच्चे कोटा में पढ़ने के लिए गए हुए थे और कोचिंग क्लासेस बंद होने के कारण वहाँ पे ही थे, उनको आज वापस लाया जा रहा है. ये 32 बच्चे दादरा नगर हवेली जिले के हैं, 6 बच्चे दमन के हैं और 6 बच्चे इसमें से दीव के हैं. इनकी जो बसेस हैं वो वहाँ से ऑलरेडी कोटा से घर के लिए निकल चुकी हैं. जो दीव जाने वाले बच्चे हैं उनकी बस वहीं से डायरेक्टली दीव के लिए निकल चुकी है और दादरा नगर हवेली और दमन के बच्चे यहाँ पे लाए जा रहे हैं. इनको लाने में हमने पूरा सक्रिय कदम उठाए हैं, जिसमें कि हर बच्चे को हर 6 घंटे बाद बदलने के लिए एक मास्क, हैंड सैनिटाइज़र, खाने की पूरी व्यवस्था और प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके इनको अपने घर वापस लाया जा रहा है. तो आज रात तक हमें ये उम्मीद है कि ये बच्चे हमारे पास अपने प्रदेश में वापस यहाँ पे पहुँच जाएंगे. मेरा नाम कमलेश कुमार है और मैं संस्कृति अपार्टमेंट दमन में रहता हूँ पिछले 2 साल से. और मैंने अपनी बेटी को पिछले साल जुलाई में कोटा भेजा था डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ने के लिए, जो नीट की तैयारी कर रही थी वहाँ रह के. तो अभी पिछले 1 महीने से वो परेशान है, उसका पढ़ाई डिस्टर्ब है और ये कोरोना के वजह से. मैसेज आया था कि आपके बच्चे अगर कोई कोटा में पढ़ रहे हो तो प्लीज़ उनको दमन बुलाने के लिए दमन प्रशासन बस भेज रही है, तो इस नंबर पे कांटेक्ट करें. तो मैंने उसी नंबर पे फ़ोन किया था, तो वहाँ का एड्रेस मांगा हॉस्टल का और बेटी का फ़ोन नंबर, तो मैंने बताया. तो आज वो बस में बैठ गई है, बहुत अच्छे से आ रही है. बस में पूरा ख्याल रखा जा रहा है, बहुत खुश है वो. एसी बस भी है और खाने पीने में भी कोई दिक्कत नहीं, उसको फ्रूटी वगैरह दिया जा रहा है रास्ते में. तो दमन प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरे पास एक मैसेज आया जिसके वजह से मेरी बेटी आज वहाँ से दमन कोटा से बस में बिठा के उनको यहाँ लाया जा रहा है. और दमन प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मेरी हेल्प की कोटा से दमन तक लाने के लिए. हाँ, सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल है बस में. एसी बस में 10 या 12 बच्चे टोटल हैं शायद, तो काफ़ी दूरी पे बैठे हुए हैं जैसे मेरी बेटी ने बताया. तो ये चीज़ का मेंटेन हो रहा है. तो